ओम नमो नारायण। बृहस्पतिवार या गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इनका यह नाम इसलिए है क्योंकि इनकी उंगली में सुदर्शन नामक चक्र घूमता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इससे प्रहार किया जाता है ये चक्र उसका अंत करके ही वापस लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास ये चक्र था। इसी चक्र से उन्होंने कृष्ण अवतार में जरासंध को पराजित किया था और शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण अवतार में ये चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था क्योंकि रामावतार में परशुराम जी को भगवान राम ने चक्र सौंप दिया था और कृष्णावतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु के पास ये चक्र कैसे आया इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए आपको वो सुनाते हैं। वामन पुराण में बताया गया है कि श्री दामा नाम का एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे पराजित करने की एक योजना बनाई। उन्होंने श्री दामा को हराने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि ये अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु ये अमोघ है, इसीलिए इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूं। तब महादेव ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। और फिर जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का सबसे पहला प्रयोग भगवान शिव पर किया तो भगवान शिव के तीन खंड हो गए। पर ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर पछतावा होने लगा और इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने फिर भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है, मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ, ये तो अच्छेद है। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि आप निराश ना हो, मेरे शरीर के जो तीन खंड हुए हैं अब वे हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। और तभी से भगवान शिव इन तीन रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त कर विष्णु भगवान ने श्री दामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से सबसे पहले उसका वध किया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको दिन भर में जब भी याद आए इस मंत्र का जाप अवश्य करें, इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।